हाई, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विन ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम। अगेन मैं आपको हमारी जो सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर के लाइव मार्केट के साथ आई हूँ, यानी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर विन ट्रेडर पूरी मार्केट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि NSE कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस, कमोडिटी, अग्री, ओपन इंटरेस्ट, फॉरेक्स, कॉमेक्स, ये पूरी मार्केट सपोर्ट करते हैं। इसमें इंट्राडे पोजिशनिंग आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब कर सकते हो। इसमें कैसे वर्क करते हैं मैं लाइव मार्केट में आपको दिखा रही हूँ। यानी कि कोई पहली बार हमारा वीडियो चेक कर रही है तो यहाँ पे डेली वीडियो अपडेट कर रही हूँ हम लोग। इसमें आपको हमारी जो सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन एक बार सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग डेली वीडियो अपडेट करते हैं, आपको वो बेल आइकन दबाएंगे तो करेक्टली मिल जाएगा, आपको डेली अपडेट्स आपको करेक्टली मिल जाता है। ओके, अगर किसी को लाइव सेम ऐसे डेमो चाहिए तो मेरा यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा नंबर में, यानी कि डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर मिल जाएगा 8139033994, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लाइव मार्केट दिखाती हूँ। ओके, अभी हम लोग वीडियो के अंदर चलते हैं। आज मैंने अभी ओपन किया है अभी निफ्टी है, रिलायंस, बजाज फिनसर्व और आपको M&M, महिंद्रा, एस्कॉर्ट और अग्रिका भी है। इवन अग्रिका मैंने ओपन किया है ग्वारगम और अपोलो हॉस्पिटल और आपको यूरो NSD और XAUSD, यूरो USD और आपको यहाँ पे मैंने ओपन किया है कमोडिटी मार्केट का नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, सबका हम लोग वीडियो चेक कर रहे थे, सॉरी लाइव चेक करते हैं। पहले निफ्टी में देखिए, यहाँ से मार्केट का ओपनिंग हुआ था। ये वाइट कलर डे ब्रेकर लाइन, यानी कि हमारा डे ब्रेकर लाइन है ये, और इसमें कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा, यानी कि कोई भी चार्ट यहाँ पे ऐड करते हो तो ये कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखता है। और आपको ये ग्रीन कलर आप पा रहे हो बाय सिग्नल है, रेड कलर डाउन आ रहा सेल है, दोनों आपने ऑटोमेटिक सिग्नल से जब भी दोनों आते हैं। अभी आप खंडी की आवाज़ सुन रही है, ऐसी आवाज़ में आपको यहाँ पे सिग्नल आया करके, ऐसे आपको आवाज़ करके यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है। और ये पूरी मार्केट में जो कुछ भी डिटेल्स आ रहे हैं वो सबका अलर्ट इस तरीके का आएगा। और इनकेस ये क्लोज कर दिया तो भी लेटेस्ट सिग्नल की एंटरप्राइज पूरा डिटेल्स ऊपर होगा। ये देखिए 22 सिग्नल लेटेस्ट आए थे, उसका 1:50 के अंदर आए थे, 17,574 में एंट्री लिया था। यहाँ पे नीचे तीन टारगेट, 40-40 का तीन टारगेट दिया है और स्टॉप लॉस भी। इसमें आज तीन सिग्नल दिया है, एक सिग्नल कन्फर्म नहीं था मार्केट में, बिना कन्फर्म होके नीचे चली गई थी। और उसके बाद एक सेल कॉल आई थी सॉफ्टवेयर ने, उसको सॉफ्टवेयर में पहली टारगेट कम से कम उसमें 70 पॉइंट्स के आसपास की टारगेट अच्छी होके फिर रिवर्स हो गई। तो इसका हम तो ये सेल सिग्नल ले सकते थे मार्केट में। तो मॉर्निंग में सिग्नल इतना नहीं था क्योंकि ये सिग्नल एक्चुअली फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, पर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कन्फर्मेशन नहीं दिया है तो इसके लिए हम लोग नहीं ले सकते। ये देखिए, ये जो सिग्नल दिया था ये यहाँ पे आए थे, हम लोग को सेकंड कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री ले सकते थे, यानी कि तो ये यहाँ पे ऊपर रेट देखिए 17,548 में एंट्री लिया था, तब गए थे 548 में एंट्री डाले थे, 48 मतलब 477। तो आप कितना देखिए, कितना पॉइंट तक आप हमारे प्रॉफिट मिला है, कम से कम 50 पॉइंट्स के ऊपर तो ज़रूर मिला है डेफिनेटली। अगर ऐसे रिवर्स होता है तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहे थे, पोजीशन में काटती है हमारा। ओके, और उसके बाद बाई आई थी, बाई कंफर्म है, तो अगर किसी को एंट्री लेना है तो ये सेकेंड कैंडल के ओपनिंग रेट पर एंट्री ले सकते हो। तो क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से कन्फर्मेशन के लिए कैंडल कलर, नीचे बार कलर और प्राइस एंड बाय सोना, सर तीनों साथ में आना जरूरी है। यहाँ पे तीनों कन्फर्म्ड है, सेकंड कैंडल में एंट्री ले सकते हो, पर आपको यहाँ से सब ये रेसिस्टेंस लेवल यानी कि रेड कलर स्टार ब्रेक करके ऊपर जाके एंट्री लेना है तो थोड़ा और एक्यूरेसी मिल सकती है। क्योंकि आपका हमको कन्फर्म हो चुका है ये रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मार्केट ज़रूर आप निकलेगा। यहाँ पे सपोर्ट लेवल तोड़ रहे हो तो मार्केट नीचे जाएगा। ओके, कुछ दिनों से मार्केट में सेल ही जा रही हूँ तो अभी बाई में इतना नहीं आया है। और आपको इसमें सिग्नल की कंटिन्यूएशन अगर देखना है कुछ दिनों से, यानी दो दिन से, तो अगर सिग्नल की कंटिन्यूएशन देखना है तो 15 में आ जाइए। तो ये देखिए 15 में आपको दिख रहा है ना, ये कब आई थी, ये कल की सिग्नल की कंटिन्यूएशन है, तो उसके हिसाब से अभी 173 पॉइंट्स अभी अच्छी हुए हैं।
173 अभी भी पर मार्केट थोड़ा अप निकला है, पर इतना खास नहीं निकला है, ये देखिए यहाँ से। तो ये तीनों टारगेट अचीव्ड है इसमें, इस सेल में ऑलरेडी मार्केट कल आधे से ले सकते थे और कम से कम 12 बजे के बाद सेल निकले थे, और आज भी सेल निकला है, अभी भी सेल ही है मार्केट। 15 मिनट देखेगा तो कंटिन्यूएशन मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम लोग रिलायंस में चलते हैं। रिलायंस में देखिए यहाँ से मार्केट का ओपनिंग हुआ था, और इसमें आज कल की सेल कॉल की कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे, और अभी एक बाई निकला है कंफर्म, अभी हो चुका है, ये रेसिस्टेंस ब्रेक कर रहे हैं, तो ये पोजीशन में आप बनाइएगा। इसमें इसका एंट्री पॉइंट है ये, कितने बजे आए थे, 2:20 के अंदर, थोड़ी देर पहले ही आए थे। तीन टारगेट लिखा है, टारगेट फिलहाल अच्छी नहीं, कन्फर्म हो चुका है, पर मॉर्निंग में सेल थे, मॉर्निंग में बना सकते थे यहाँ से, नहीं है तो यहाँ से बना सकते थे। मॉर्निंग में कम से कम आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन चेंज हुआ था, ये पोजीशन में आप बना सकते थे 2350 से लेकर, तभी मॉर्निंग में कितना तक गए थे, 33 तक गए थे, 15 पॉइंट का है यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ से बनाए थे, तो ये कट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं किया, साइडवे दिया तो ज़रूर है, तो वहाँ से लेकर 2328 तक गए थे, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 2349 से लेकर 28 तक गए थे, अच्छा खासा सेल मिला है, 25 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट मिला है, नहीं है तो यहाँ पे बना सकते तो भी 2341 से लेकर, तो हमारा यहाँ पे देखिए ये नीचे 2329 मतलब कितना प्रॉफिट है, ये भी कम से कम 10-15 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल चुका है ऑलरेडी। ओके, इसमें 15 मिनट्स आपको देखेंगे तो पता चलेगा, सेम 15 मिनट्स में ये देखिए सेल कॉल, अभी दो दिन से सेल में 38 पॉइंट्स के हिसाब से भी प्रॉफिटेबल हो। ओके, उसके पहले एक साइड वे था, उसके पहले एकदम बड़ा सेल था, वो बड़ा सेल कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे सेल पे कभी लेना ही नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा बजाज फिनसर्व। इसमें बजाज फिनसर्व में देखिए, अभी यहाँ पे मॉर्निंग में सेल था हमारा, कल की सेल कॉल की कंटिन्यूएशन गए थे, अभी एक बाई निकला है, ये बाई थोड़ा ऊपर गए थे, कंफर्म भी था, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद साइडवे देखकर अभी सपोर्ट तो जरूर क्लोज किया है, ऐसा यहाँ पे कट कर सकते हैं, साइडवे दिया है सॉफ्टवेयर ने जरूर, साइडवे देने के बाद अभी ऐसे पोजीशन आएगा तो पोजीशन कट लीजिएगा। ओके, सॉरी, ऐसे पोजीशन देखिए, साइडवे देकर सपोर्ट क्रॉस कर दिया, यहां से सपोर्ट क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे हमको ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसा पोजीशन आएगा तो कभी काटिए पोजीशन, ऐसे पोजीशन। ओके, नीचे बार जब तक रेड में बदल जाए तब तक बहुत देर चुकी होंगी, यहाँ पे काट के हमारा फिर से अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाएंगे तो री एंट्री देगा, उसी टाइम री एंट्री में जरूर बना सकते हो, उसी टाइम हमारा री एंट्री पोजीशन फिर से बनाइएगा, ऐसा होता है। अभी ये पहले आए हुए री एंट्री, 2 बजे आए थे री एंट्री है, तो री एंट्री 376 में एंटर कर लिया था, अभी 376 यानी कि 23 तक पहुंच गए थे, 23 तक पहुंच के अभी थोड़ा सा फिलहाल साइडवे दिख रही हो, यानी कि क्रॉस भी कर दिया, यहाँ पे काटना है तो काट सकते हो डेफिनेटली। ओके, ये जो आवाज दिख रही है तो री एंट्री का आवाज है, नेचुरल गैस में री एंट्री होकर अच्छी हो चुका है, उसके लिए खंडी की आवाज में बार बार बेल बज रही है। नेक्स्ट हमारा एस्कॉर्ट, इसमें देखिए, इसमें मॉर्निंग में पूरा बाई सेल सिग्नल थे, यानी कि पूरा कल की सेल कॉल की कंटिन्यूएशन आज पूरा गए थे, कल इतना खास मार्केट नीचे गिरा नहीं, पर गिर गए थे, पर आज पूरा मार्केट गिर गए थे, अभी एक बाई आया है इसमें, पर कंफर्म नहीं है इसमें, तो मॉर्निंग से आप ये सपोर्ट क्रॉस कर दिए, इसके बाद बना सकते थे कम से कम 1 मिनट, ये साउंड तो बंद करूँ इतना। थोड़ा वॉल्यूम मैंने कम कर दिया। ओके, बार बार ऐसे खंडी की आवाज में री एंट्री टारगेट अचीव अचीव्ड ऐसा करके आपको मैसेज मिल जाता है।
बार कोई भी अलर्ट आएगा तो भी ऐसे आपको दिखता सुनाई देता है ऐसे बार बार, क्योंकि आप जहाँ पे सिस्टम के सामने नहीं हो तो भी आपको ऐसे अलर्ट मिल जाता है। इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर ज़रूर दे देता है। ओके डेफिनेटली ओके। नेक्स्ट हमारा एस्कॉर्ट में, एस्कॉर्ट में मॉर्निंग में सपोर्ट लेवल क्रॉस कर दिया तो भी आप यहाँ से मना सकते थे 1855 से 1835 तक गए थे, यानी कि 20 पॉइंट्स तो आराम से सेल में मिला है। उसके बाद बाई आए थे, बाई साइड वे है, रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया पर बाई पोजिशन में नहीं बना है। ओके नेक्स्ट हमारा महिंद्रा M&M, इसमें भी कल की सेल कॉल की कंटिन्यूएशन जा रही हूँ। इसमें कल लगभग कितने बजे यहाँ पे अभी लेटेस्ट सिग्नल बाई आए थे, पर कल लगभग मॉर्निंग में सिग्नल बने थे कल, यानी कि एक्सैक्ट टाइम में आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 875 में बनी थी, कम से कम 11:30 के बाद, 11:45 के बाद ही ये सिग्नल आए थे। उसके बाद अब आज अभी आधा तक, अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 1 बजे तक मार्केट में सेल ही था। अभी भी बाई ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सेल जोन में ही हूँ, मार्केट कंटिन्यूएशन पर बाई जोन, बाई सिग्नल जरूर अभी ये ऊपर जाएगा तब भी तो कह सकते बाई आए, तब तक सेल में ही है मार्केट। तो अगर इसमें आपको देखना है तो 15 मिनट में दिखा दी, 15 में ये देखिए ये सेल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आज कंटिन्यूएशन है, अभी इसके हिसाब 20 पॉइंट अभी प्रॉफिट में हुआ। ये बाई यहाँ पे पहले बाई बने थे, थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पे रिवर्स, ये सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं ऐसा। ओके नेक्स्ट हम लोग अग्री का, अग्री में भी इवन हमारा जो सॉफ्टवेयर अग्री में भी सपोर्ट करते हैं। ग्वारगम की चार्ट है ये, गार्गम अग्री में हमेशा 5 मिनट्स से बेटर है आप 15 में सेलेक्ट कीजिए। इसमें ये सिग्नल आप आ रहे थे ये 14, यानी कि तीन कल लगभग 2:15 के बाद आए थे, उसके हिसाब से अभी भी मार्केट माई में ही हो, यानी कि 202 अभी तक फिलहाल कल के हिसाब से 11,467 में एंट्री लिया था। तीन टारगेट दिए, तीनों टारगेट अच्छी हुए, 200 पॉइंट अभी प्रॉफिट में हो हम लोग। उसके पहले बहुत फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 दिन तक सेल में ही था मार्केट। ओके नेक्स्ट अपोलो हॉस्पिटल, इसमें देखिए इसमें मॉर्निंग में बाई निकले थे, उसके बाद एक सेल निकला है, फिर अभी एक बाई फिर से निकला है। तो इसमें मॉर्निंग में आज 3 सिग्नल लिए अपोलो में दिए थे और मॉर्निंग में यहाँ से ले एंट्री ले सकते, कंफर्मेशन हमारी 4680 यहाँ पे ही आए थे, 4680 से लेकर 4798, यानी कि आराम से आपको 100 के ऊपर, अप्रोक्सीमेट 100 के ऊपर आपको आराम से मिल गया है प्रॉफिट, 150 पॉइंट्स आराम से अचीव हो चुका है। उसके बाद सेल आए थे, ये सेल में कंफर्मेशन अपन को यहाँ पे सिग्नल आए थे, कंफर्मेशन ये कैंडल में एंट्री ले सकते थे 4697 4673, यानी कि अप्रोक्सीमेट आपको इसमें भी 20-25-30 पॉइंट्स के आसपास इसमें आराम से प्रॉफिट आ चुका है। उसके बाद अब साइड वे लेकर क्रॉस करके ऊपर जा रही है। ओके अपन तीन ये जो सबाई आए थे लेटेस्ट में वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी नीचे यहाँ पे कैंडल ने कलर ग्रीन नहीं होता है, नीचे बार ग्रीन नहीं होता है, बाई जोन नहीं, तब तक हमको पोजीशन नहीं बनाना है। ओके नेक्स्ट हमारा कमोडिटी मार्केट में चलते हैं, नेचुरल गैस। ये देखिए नेचुरल गैस में मॉर्निंग में बाई था, कल की कंटिन्यूएशन गए थे, उसके बाद सेल था, फिर बाई, बाई का रीएंट्री का टारगेट ऑलरेडी अच्छी होते आप सुनाई दे रहे होंगे ना, बार बार ऐसे खंडी की आवाज में पहले आए थे। ये देखिए बाई में पहले रीएंट्री आए थे नेचुरल गैस में, सॉरी इसमें आप देखिए इसमें पहले रीएंट्री का अलर्ट आया था, रीएंट्री टारगेट हिटेड 373, ऐसे रीएंट्री टारगेट हिट करके दिखा रहे हैं, रीएंट्री आके हिट हो गए थे जब नेचुरल गैस में पहले, जब कंफर्मेशन आने के बाद रीएंट्री आए थे। तो ये देखिए इसमें मॉर्निंग में बाय कल की कंटिन्यूएशन गए थे, अगर मॉर्निंग में इतना मॉर्निंग में लेना इतना कमोडिटी में ठीक नहीं है। उसके बाद सेल आए थे, सेल अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट पे आए थे, तो हमारा उसी
उसी जब सेल आए हुए टाइमिंग में बताती हूँ, लगभग 11 बजे आसपास, 11 बजे के आसपास ही ये सेल आए थे। तो हमारे कंफर्मेशन ये वाला पॉइंट पे हुआ था। यहाँ से मतलब आपको 373 तक की रेट थे, 373.50, 373 से ले 362 तक गए थे, अप्रॉक्सीमेट 10 पॉइंट के आसपास आराम से मिला है। और उसके बाद एक बाई निकला है, बाई एकदम ऊपर ऐसे चढ़ते हुए सिग्नल दिए थे, ऐसा सिग्नल लेना नहीं चाहिए। वहाँ ब्लू कैंडल दिया है, कंफर्मेशन नहीं है। हमारा कंफर्मेशन आए थे इसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट में मैंने आपको दिखाया था। अगर उसी पॉइंट में नेचुरल गैस बाई भी जाते हैं तो भी हमको लेना नहीं है, जब री एंट्री आ जाए तब ले सकती, यहाँ से हम बना सकते थे। यानी कि 369 में, 369 से लेकर अप्रोक्सीमेट कितना तक गए थे, यानी कि अभी 373 चला, 4 पॉइंट जरूर हमारा अचीव हो चुका है। ओके। और नेक्स्ट हमारे क्रूड ऑयल, ये देखिए क्रूड ऑयल में कल से लगभग आधा मार्केट, लगभग कितने बजे मैं बताती हूँ, कल से लेकर अभी तक बाई में ही हूँ, मार्केट पूरा बाई में ही हूँ। बीच में एक सेल आए थे, सेल कंफर्म नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल में अभी लेटेस्ट सिग्नल के हिसाब से 28 पॉइंट अभी अच्छी रही, यानी कि लेटेस्ट सिग्नल दिए थे 1:25 के अंदर, उसमें 6789 में एंट्री लिया था, और उसके हिसाब से हमारा तीनों टारगेट अच्छी रहे। अभी तीनों टारगेट काफ़ी ऊपर जाकर आज ओपन किए थे, ओपन हो गए थे। अगर आपको इसमें 15 मिनट जाके देखना है तो भी आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए कल के सिग्नल की कंटिन्यूएशन का है, अभी कल की सिग्नल के हिसाब से 226 पॉइंट अभी प्रॉफिटेबल हो, रीएंट्री भी आई है काफ़ी। नेक्स्ट फाइनेंस का, अभी फाइनेंस में अभी लेना है तो मॉर्निंग में किसी ने नहीं लिया तो भी, ये लेटेस्ट सिग्नल 1 बजे के बाद लिया तो भी ठीक है, अभी भी बाई जोन में ही हूँ, मार्केट अभी भी ऊपर ही जा रही है, ऑलरेडी तीनों टारगेट अच्छी हुए इसमें। ओके। नेक्स्ट हमारा फॉरेक्स मार्केट में चलते हैं, और यहाँ पे XAUSD, XAUSD मैंने डाला है। XAUSD में यहाँ पे देखिए आप, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने सेट किया, मैंने पहले भी अपना वीडियो में बता चुकी हूँ। XAUSD यानी कि फॉरेक्स मार्केट में हमेशा 15 या 30 कोई भी टाइम फ्रेम इज़ बेटर फॉर, तो आपको बेटर इसमें लिखिए, क्योंकि पॉइंट वाइज चेंजेस होता है तो बेटर रहेगा, तो टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करो। तो 5 मिनट्स जल्दी टाइम अफेक्ट होता है, 5 मिनट्स में क्या होता है जल्दी रिवर्सल में पड़ जाता है, तो इसकी वजह से मैं बोल रही हूँ 30 का सेट कीजिए। 30 में 5 मिनट से ना छोटा छोटा रिवर्सल, ये पॉइंट वाइज बन जाता है तो छोटा नीचे आ जाता है तो फटाफट वहाँ पे कॉल बन जाता है, तो कन्फर्म ही नहीं होता, अपन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मैंने आपको बोला था ये 5 मिनट्स में सेट कीजिए, सॉरी 30 में सेट कीजिए। 30 में आप दिख रहे हैं ना, तो इतना बड़ा चढ़ाव में वहां पे 5 मिनट्स में क्या होते हैं सर, एक कॉल बन जाते हैं, फिर भी वहां से ऊपर जाते हैं। ओके। ये बाई कॉल बन गए थे, कब बन गए थे आपको टाइमिंग दिख रहे हैं ना सर, 21:30, यानी कि कल लगभग क्लोजिंग में वक्त, सॉरी एक सिग्नल बने थे, ये देखिए 21:30 में, यानी कि कल क्लोजिंग में सिग्नल बने थे, उसके हिसाब से अभी देखिए आज भी बाई में कंटिन्यू चल रहे, यानी कि 6 पॉइंट्स अभी ऑलरेडी अचीव्ड है, 6.6 पॉइंट के हिसाब से अभी टारगेट फिलहाल अचीव नहीं हो, 15 आएगा तो ही आपको फर्स्ट टारगेट अचीव होगा। ओके। नेक्स्ट हमारा यूरो यूएसडी, इसमें कुछ दिनों से बाई में ही जा रही, बीच में एक थोड़ा सा डाउन मार्केट जाने के लिए कोशिश किया था, बाप भी सॉफ्टवेयर सिग्नल नहीं दिया है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से मार्केट अभी नया सिग्नल के हिसाब से अभी कब बने थे, यानी कि आपको 1:30 के अंदर, यानी कि कल की सिग्नल है, कल से लेकर अभी तक कल सिग्नल बनाए तो भी आपको काफ़ी प्रॉफिटेबल है, 1570 पॉइंट्स अभी अचीव्ड है, तीनों टारगेट अचीव ऑलरेडी हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है। आप इसे H1 में देखिएगा तो आपको पता चलेगा, इसमें ये देखिए इसमें कब से कितने दिनों से अभी सेल में हो, सॉरी बाई में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यहाँ पे नीचे गया ही नहीं मार्केट ऐसे, ये इसके लिए मैंने बोला 30 या 15 मिनट सेट कीजिए हम लोग, क्योंकि छोटा जब मार्केट थोड़ा से नीचे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे छोटे चढ़ाव नहीं होते बिल्कुल भी, इसके लिए पॉइंट वाइज चेंजेस बनते हैं, तो इसके लिए दिक्कत पड़ सकती है। ओके। तो ये 5 मिनट्स में भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए कल से ही बाई में हूँ, तो और यहाँ पे एक सेल तो आई हुई है पर सेल कंफर्म नहीं है, मार्केट नीचे गई नहीं हूँ। ओके। यहाँ पे छोड़ थोड़ा सा मार्केट नीचे आए थे उसके बाद रिवर्स हो गए थे। ओके।
अगर लेना है तो छोटा प्रॉफिट लेकर यहाँ पे साइड में निकलते हो तो वहां पे कट कीजिए। ओके, ऐसे ही लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस अभी देखना चाहते हो तो इसी नंबर में कॉल कीजिए मेरा, 8139 0999 4 व्हाट्सअप कीजिए, आपको लाइव दिखाती हूँ। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।